यह है बिग बॉस का घर, जो कि अभी शो खत्म हो चुका है तो सारे कंटेस्टेंट्स बाहर निकल गए हैं और मैं आपको अभी घर पूरा अंदर से दिखाता हूँ। सीलिंग तो हमें कभी है ना यहाँ शो पर नहीं दिखाई जाती है, जहाँ पर सोफा पर सारे कंटेस्टेंट्स बैठकर वीकेंड का वार में सलमान खान से बातें करते हैं और पूरा टेलीविजन बड़ा सा लगा होता है और टेलीविजन के आसपास देखो काफी सारे कैमराज लगे होते हैं, वो जो सारे कंटेस्टेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। खूबसूरत बेडरूम बनाया गया है, लिविंग रूम के सामने यहाँ पर पूरा किचन का एरिया बनाया है, 110 कैमराज पूरे घर में लगे हुए हैं। आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के फिल्म सिटी में, जहाँ पर है ना काफी सारे रियलिटी शोज और मूवीज के और सीरियल्स के शूटिंग होते हैं। तो आज मैं है ना आपको दिखाने वाला हूँ बिग बॉस का सेट, वो भी अंदर से, जो कि बिग बॉस के जो हाउसेस है मैं आपको आज वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। और आप जो मेरे पीछे ये तरफ देख रहे हो, यहीं पर पूरा बना हुआ है बिग बॉस का सेट। चलो मैं आपको वो तरफ ले चलता और वहां से भी पूरा दिखाता हूँ। सामने ही जो देख रहे हो ना, ये मेन गेट है यहाँ पर बिग बॉस सेट के अंदर के लिए जाने का। देखो ये बोर्ड लगा हुआ है बिग बॉस का, यहाँ पर सलमान खान के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर है ना पुलिस की गाड़ी अभी लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि है ना यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है आज के दिन, क्योंकि विनर अनाउंस होने वाला रहता है, फैंस आए हुए हैं। ये वाला मेन गेट है और उसके बाजू में भी एक गेट बना हुआ है, तो ये वाला गेट है ना स्पेशली सलमान खान के लिए ये गेट बना है। इसके अंदर ही सलमान खान की वैनिटी खड़ी रहती है और जो सलमान खान की कार रहती है ना उसकी एंट्री एग्जिट भी यही वाले गेट से वो लोग करवाते हैं। बिग बॉस का लास्ट डे है आज, सीजन 17 का फिनाले यहाँ पर शूट होने वाला है, जो कि अभी फिनाले है ना कुछ ही देर में यहाँ पर स्टार्ट भी होगा और जो कि उसका तो ऑफकोर्स लाइव टेलीकास्ट होता है और आज के दिन विनर भी अनाउंस होने वाला है। तो फिर जब विनर अनाउंस हो जाएगा ना उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर जो हाउसेस बने हुए हैं उसके अंदर और मैं आपको अंदर से पूरे वो हाउसेस का लुक देता हूँ। यहाँ पर है ना सभी कंटेस्टेंट्स की और जो भी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं उनकी वैनिटी वैन सारी लगी हुई है। तो ये कार आ चुकी है भारती मैम की और उनके देखो हर्ष सर यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं और ये देखो ये रही वैनिटी के बाहर यहाँ पर भारती मैम। अभी हम आ चुके हैं सेट के अंदर की तरफ, तो कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं हाउस के अंदर की तरफ। तो देखो ये हम आ चुके हैं हाउस के अंदर की तरफ। बिग बॉस का घर कुछ रियल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे आप टीवी पर देखते हैं, हम वो काफी हमें वैसे बड़ी स्पेस दिखाई देती है लेकिन काफी छोटी सी जगह में ये पूरा सेट बना हुआ है। सामने ही आप देख सकते हो बड़े बड़े लेटर्स में यहाँ पर बिग बॉस लिखा गया है और यहाँ पर ही है ये पूल का एरिया, इसे हम कॉमन एरिया भी या फिर लॉबी का एरिया भी बोल सकते हैं। तरफ आप ये जो बर्ड का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी के अंदर सारे लिविंग रूम बनाए गए, बेडरूम्स बनाए गए हैं, वहां मैं आपको बाद में ले चलता हूँ। ये तरफ ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ना इसी के अंदर सारे वॉशरूम्स बनाए गए हैं और ये तरफ इनका जिम का एरिया बना हुआ है, काफी सारे इक्विपमेंट्स रखे गए। हमें शो में हर बार यहाँ पर कंटेस्टेंट्स एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं और फिर उसी के बाजू में देखो यहाँ पर ये काफी सारे सोफाज रखे गए और वॉल्स पर आप ध्यान से देखो तो हर जगह पर यहाँ पर है ना कैमराज ही कैमराज लगे हुए हैं। मैंने गिने तो करीब है ना 110 कैमराज पूरे घर में लगे हुए हैं। पर ये देखो यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बनाया गया है जहाँ पर काफी सारे टास्क भी होते हैं, काफी लोग यहाँ पर चिल करने भी आते हैं। पूल के सामने ही बड़े बड़े लेटर्स में यहाँ बिग बॉस लिखा हुआ है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ ये घर के अंदर की तरफ। ये सबसे पहले हम लोग आए लिविंग रूम की तरफ और ये घर की आप ऊपर की सीलिंग वगैरह देखो, सीलिंग तो हमें कभी है ना यहाँ पर शो पर नहीं दिखाई जाती है लेकिन यहाँ पर सीलिंग ऐसी नॉर्मल है और यहाँ पर काफी सारी ऊपर की तरफ लाइट्स लगाई गई है। और ये लिविंग रूम का वही सामने की तरफ ये सोफा बना हुआ है जहाँ पर सोफा पर सारे कंटेस्टेंट्स बैठकर वीकेंड का वार में सलमान खान से बातें करते हैं और उनके सामने ही ये पूरा टेलीविजन बड़ा सा लगा होता है और टेलीविजन के आसपास देखो काफी सारे कैमराज लगे होते हैं, वो जो सारे कंटेस्टेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। आपको आगे की तरफ ले चलता हूं, आगे भी देख लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हैं और घर के अंदर। और इंटीरियर्स मुझे है ना रियली में काफी ज्यादा पसंद आए, यहां पर जितने भी सीजंस होके गए ना उससे सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना ये टाइम का ही घर लग रहा है। ये मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर शायद से कुछ एक दरवाजा टाइप है, ये दरवाजा मैं खोल के देख लेता हूँ अंदर क्या बना हुआ है। ओ अच्छा, यहाँ पर कुछ तो अभी काम वगैरह चल रहा है, कुछ चीजें बन रही होगी। और मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर ये एक रेड वाला डोर भी है, ये रेड वाले डोर के अंदर हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। ओ अच्छा, इसके अंदर ये स्टोर रूम बना हुआ है जहाँ पर सभी लोगों को अपने सामान वगैरह मिलते हैं, शो में हमें अक्सर ये स्टोर रूम दिखाया जाता है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बेडरूम की तरफ। ये देखो यार काफी खूबसूरत बेडरूम बनाया गया है, कौन नहीं रहना चाहेगा ऐसे घर में। और देखो यहाँ पर ये वाले जो बेडरूम है ना यहाँ पर सिर्फ 4 ही बेड्स रखे गए, ये हो सकता है उनका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हो, बाकी के बेड्स है ना बाकी के अलग रूम में रखे गए हैं। ये दरवाजे से होते हुए हम जाते हैं दूसरे रूम की तरफ और ये रूम में देखो यहाँ पर इसके कलर डिफरेंट है, थीम डिफरेंट है ये वाले रूम की, तो हो सकता है ये बिग बॉस वालों का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, इसके लिए सभी के लिए थोड़े थोड़े अलग यहाँ पर बेडरूम्स डिजाइन किए हैं। अभी हम लोग बाहर आ गए और ये लिविंग रूम के सामने यहाँ पर पूरा किचन का एरिया बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पर गैस लगाया गया है, ऊपर ये बड़ी सी चिमनी लगाई गई है और इंटीरियर्स देखो यार काफी ज्यादा खूबसूरत बनाए गए हैं और यहाँ पर खाने पीने की चीजें ऑलरेडी रख दी गई है और किचन के बाजू में यहाँ पर कुछ टेबल्स वगैरह भी रखे गए हैं।
है और देखो ये है पूरा सामने यहाँ पर लिविंग रूम का एरिया। घर को देखकर अभी हम लोग वापस बाहर की तरफ आ चुके हैं। आप बाहर के एरिया में इसकी सीलिंग देख सकते हो, जो कि आज मैं भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यार काफी कमाल का रहा। ये खूबसूरत चीज को हम इन रियल में देख रहे हैं, ये अपने मुंबई के फिल्म सिटी में ये पूरा बना हुआ है। सो गाइस अभी देखो रात के है ना यहाँ पर 2 बज चुके हैं और अभी जाकर हम लोग सेट के बाहर निकले, क्योंकि आज तो है ना शूट खत्म हुआ करीब 12 के बाद 12:30-1 बजे तक, और फिर उसके बाद वही सारे फिर मीडिया इंटरेक्शंस हुए, वो आपको है ना मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वो वाले ब्लॉग में मैंने सारी बाहर की चीजें कवर की थी। यहाँ पर पूरा जो फेक सेट बनाया जाता है पूरा ऐसे बिग बॉस के घर का, और आज शूट खत्म हुआ ना तो कल से तो इसको पूरा तोड़ने का काम चालू कर देंगे और फिर कुछ दिन यहाँ पर रहने देंगे। फिर जब भी उनकी प्लानिंग होगी ना अगले शूट की, तो वो लोग वापस से रीबिल्ड पूरा करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे जो ये वाला जो सेट मैंने आपको दिखाया ना, ये सेट पहले लोनावाला में हुआ करता था, जो कि लोनावाला मुंबई से करीब काफी दूर पड़ता है, करीब 90-100 किलोमीटर दूर पड़ता है और जाने के लिए करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो वो सारी कंटेस्टेंट को वहां तक लेकर जाना, सलमान सर को वहां तक जाना, और फिर जो ऑडियंस रहती थी उनको भी मुंबई से लेकर वहां लोनावाला तक लेकर जाना, वो चीजें ना काफी दूर पड़ रही थी ना। तो फिर अभी कुछ साल पहले ही है ना ये वाला बिग बॉस का सेट वो लोग ने यहाँ पर फिल्म सिटी के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और जो मैंने आपको जो जो जगह दिखाई जहाँ पर हाउसेस बने हुए हैं, हर साल बिग बॉस के हाउस है ना, चाहे वो हिंदी हो या OTT हो, सारे हाउसेस वहीं पर बनते हैं। मैंने भी देखा जब भी मुनावर फारूकी विनर हो गया है, और ऑफकोर्स उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी मैसिव थी, उसकी वजह से भी वो विनर हुआ है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और बिग बॉस का घर कैसा लगा वो भी बताना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, सो स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.